न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ ने की अनूठी पहल, बैठक के दौरान लगाई ऑन डिमांड तबादलों की पारदर्शी चौपाल। काफी दिनों में से एक ही विकास खंड में कार्यरत ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों को दी गई उनके पसंद की नई तैनाती। देवरिया बाईपास एवं देवरिया गोरखपुर रोड के औचक निरीक्षण पर निकले सांसद रवि किशन, सिंगड़िया के पास सड़क पर लगे पानी में उतरे नंगे पैर, दिए तत्काल जल जमाव को दूर करने के निर्देश। यातायात व कानून व्यवस्था में बाधक छुट्टा पशुओं पर भी है पुलिस की नजर, एसएसपी ने कहा कहीं कहीं सांप्रदायिक घटना का कारण बन जाते हैं छुट्टा पशु। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक, जिले के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति के दिए निर्देश, कहा जन कल्याणकारी योजनाओं में शिथिलता बर्दाश्त नहीं। हुक्का बार पर पुलिस की है पैनी नजर, कराई जा रही है चेकिंग ताकि नाबालिग ना हो सके नशे का शिकार, एसएसपी ने अभिभावकों को किया आगाह, कहा रखें अपने दुलारों पर निगाह, कहीं हो तो नहीं रहे नशे के शिकार। 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर कौसदुम ने किया एसपी सिटी का कारभार ग्रहण, कहा कानून व्यवस्था बनाए रखना होगी पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत छूटे हुए किसान 18 जुलाई तक करा सकते हैं पंजीकरण, डीएम ने दी जानकारी। कांवड़ यात्रा को लेकर गोरखपुर पुलिस की तैयारियां पूरी, हाईवे पर लगाई जाएगी अतिरिक्त पिकेट, मंदिरों पर रहेगी विशेष सुरक्षा, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने दी जानकारी। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की समन्वय मासिक समीक्षा बैठक, एसपी क्राइम ने कहा बाल हित है सर्वोपरि, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। यातायात जागरूकता के लिए एनएसएस और ट्रैफिक विभाग ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए किया प्रेरित। जिला अस्पताल के बर्न वार्ड की 3 में से 2 एसी हुई खराब, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा मैकेनिक को दी गई है सूचना, जल्द ठीक कराई जाएगी एसी। और हिंदू युवा वाहिनी की मासिक बैठक हुई संपन्न, विभिन्न जन समस्याओं और संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा।